नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पंप है। इनकी एज नहीं पता, इनके जीवन में पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, काफ़ी पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त हैं ये। बाकी फाइनेंस की स्थिति भी थोड़ी इन्होंने ख़राब मुझे बताई, उसमें भी दिक्कत बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कॉन्शियस देख कर पता करते हैं कि आगे जीवन में क्या स्थिति बनेगी, क्या इन्हें करना चाहिए, क्या इन्हें नहीं करना चाहिए, दूसरी शादी के क्या और किस प्रकार योग हैं। देखिए, आपके हाथ में दूसरी शादी के योग तो नहीं देख पा रहा हूँ, और अभी आपके हाथ में इस प्रकार के योग भी नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाए। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति मजबूत हैं, तो मान के चलिए थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि लाइफ पार्टनर से बैठ के बात हो और अपने वैवाहिक जीवन को सुलझा लीजिए। जो समस्या है पर्सनली भी मैं आपसे पूछूंगा क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या असल में है, बट कुछ उपाय देने के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में ना तलाक के योग, देखिए आपके हाथ में दूसरी शादी के योग नहीं देख पा रहा हूँ मैं। देखिए, शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग रहती है, बुरे ख्याल आते हैं मन में और ध्यान नहीं लगता एक जगह। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती है जो कि आपको चल रही है। शुक्र आपके हाथ में जीवन में बल्कि पारिवारिक समस्याओं के मेन कारक हैं। इनकी वजह से ही जो आपको पारिवारिक समस्या झेलनी पड़ रही है उनके कारक यही है। इनके उपाय करना को सख्त जरूरी हो जाएगा। शुक्र देव के आपको कुछ उपाय दूंगा। वीनस माउंट के उपाय करने पर आपको बड़ा लाभ अपने जीवन में एवं पारिवारिक जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी 100%। मंगल पर भी आड़ी रेखाएं हैं तो ये आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम देने वाली रहेंगी। कुछ ये ज्यादा बड़ी हो गई है, यहाँ तक भी पहुंची हैं। तो मान के चलिए ये आपको जीवन में गुस्से की समस्या देने वाली रहेंगी, संयम की कमी होना। इस तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति जीवन में चलती है जब जब आपके जीवन में इस प्रकार की मंगल पर आड़ी रेखाएं हों। तो बाकी ओवरऑल मंगल मजबूत है तो मान के चलिएगा कि फिजिकल एनर्जी मेंटेन रहेगी, बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। मंगल पर इस प्रकार की रेखाएं भी हैं आपके हाथ में। ये देखिए, आपके हाथ के गुरुदेव बृहस्पति जो है यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है। जब गुरुदेव बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये भी आपको अपने जीवन में धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगी। देखिए, आपके जीवन में जो सफलता का सूचक रहेगा वो रहेगा दान दक्षिणा और समाज सेवा। जितना ज्यादा आप दान दक्षिणा और समाज सेवा जैसे कार्य करेंगे, आपके खुद के जीवन को उससे लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप डोनेशन करें अपने हाथ से, तो जितना आप समाज सेवा में लिप्त रहेंगे उतना आपके पर्सनल जीवन में राहत एवं सुख शांति देखने को मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा ये सारे कार्य आप कर पाए। बाकी आप देख पा रहे हैं कि शनि पर्वत पर यहाँ से रेखा गई है, ये आपको काफ़ी हद तक आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देने वाली रहेगी, बट इसके भी उपाय दे देंगे। देखिए, हर चीज़ के उपाय होते हैं, तो हर चीज़ के जो उपाय रहेंगे, अगर एक एक नेगेटिव पॉइंट है तो उसके भी आपको रेमेडीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये समस्या देती है, बट मान के चलिए समाज सेवा करके इन सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। शनि पर्वत हाथ में काफ़ी सही है, अच्छी अवस्था में। वी का साइन बन गया है तो मान के चलिए वी का साइन आपको शुभ लाभ देने वाला रहेगा बुढ़ापे के अंदर। पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती व्यक्ति को, इस चीज़ के अच्छे भी शुभ लाभ व्यक्ति को आपके जीवन में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सूर्य पर आपके हाथ में फिश साइन भी बन रहा है, ये एक क्रॉस साइन है। आप देख पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिश तो नहीं है, ये क्रॉस ही है, ये सूर्य रेखा। बिल्कुल, देखिए आपके जीवन में समस्या चल रही है उनमें एक का तो मैं शुक्रदेव देख पाया, एक है सूर्यदेव। सूर्यदेव में भी आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आप देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान के कारक होते हैं, तो मान सम्मान की हानि होना, झूठे आरोप लगना और अपोजिट जेंडर द्वारा झूठे आरोप लगाए जाना, इस तरह के भी पूरे पूरे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आप वहाँ देखेंगे तो बुद्ध देव के ऊपर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं। जब बुद्ध के पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, ये व्यक्ति के अंदर अच्छी व्यापारिक क्षमता देती है कि व्यापार से बड़ा लाभ कमा सकता है। अगर बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका अच्छा लाभ मिलेगा आपको जीवन में। बाकी आपको बोलने का तरीका पता है, कम्युनिकेशन स्किल जिसे कहते हैं, लोगों से बात करने का तरीका। अपने पैसे का सदुपयोग रहेगा, कमाया हुआ पैसा जीवन में कभी वेस्ट नहीं रहेगा। पैसे से पैसा लाने की कला जो है वो भी आपके अंदर हाथ में मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भारी मंगल की ओर देखेंगे, भारी मंगल भी आपके हाथ में बहुत बड़ी अवस्था में है। इस प्रकार के जब भारी मंगल होते हैं तो ये भी आपको अपने जीवन में बड़ी समस्याओं से मुक्ति देने वाले रहेंगे। अच्छा लाभ आपको ये सारे कार्य करके मिल जाएगा और जीवन में पराक्रम की कमी नहीं आएगी। जीवन में किसी तरह की समस्या, किसी तरह की परेशानी होगा, जीवन में किसी तरह की समस्या, किसी तरह की परेशानी होगी तो उसको हंसकर काटने में सक्षम रहेंगे। नेगेटिव चीज़ें आपके हाथ में आएंगी बट आप उन्हें ओवरकम कर जाएंगे समय पर आकर। यहाँ पे आपके जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव पर मैं देख पा रहा हूँ ये अच्छे हैं, तो मन में शांति बनी रहेगी। देखिए, जीवन में कैसी भी समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत क्यों ना आ जाए, बट आप अपने जीवन में मन से शांत रहेंगे। और देखिए, आपकी मन की शांति ये तो है, बट जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप महादेव की भक्ति कीजिए। आप एक कार्य कीजिए कि आप सबसे पहले एक शिवलिंग ले आइए, या तो घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना दीजिए या फिर बाजार से शिवलिंग ले आइए, उसे पूजा के साथ पूरे विधान के साथ उसे घर में स्थापित कीजिए।
और डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जैसे आप खुद नहाते धोते हैं डेली, ऐसे शिवलिंग को नहलाइए। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन के, अपने सुखी वैवाहिक जीवन का कामना कीजिए और डेली दोनों उनको जल चढ़ाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में 100% लाभ मिलेगा अगर आप दोनों ये कार्य करते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव और माता पार्वती की कृपा मिलती है और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होता है। अगर समस्या है तो आपका मन इस तरह बदलेगा भगवान की कृपा से कि आपका वैवाहिक जीवन वापस से पटरी पर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। ये जो कि पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, बाकी आगे भी बढ़ी है और घूम भी गई है। देखिए ये कॉम्बिनेशन आपको मनी मैनेजमेंट में माहिर बनाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट आता है, पैसों को किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, इस तरह के पूरे पूरे अच्छे योग आपके हाथ में है और आपको मनी मैनेजमेंट से फायदा ही फायदा मिलेगा। आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उसे बढ़ाने में सक्षम है अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मेरी उम्र कम से कम 10 साल मैक्सिमम जीवन भर, तो आप लाखों में जाएंगे करोड़ों में बाहर निकलेंगे। इस तरह के पूरे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में आपकी पिंकी फिंगर द्वारा मैं देख पा रहा हूं। और देखिए आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपको थोड़ा बहुत स्वार्थी भी बना रही है क्योंकि आपकी हृदय रेखा यहीं पर रुक गई है, शनि परत के बिल्कुल नीचे हृदय रेखा का झुकाव आया है। ये व्यक्ति को थोड़ा स्वार्थी बनाती है, व्यक्ति पैसे के लिए स्वार्थ दिखा देता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मनी माइंडेड स्वार्थी और इंट्रोवर्ट होता है। ये साइन इंट्रोवर्सी का भी देखा गया है। ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में सबसे पहला मनी मैंडिटेशन बता दिया, करियर ओरिएंटेड सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। व्यक्ति खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पसंद करता है, सेंसिटिव टाइप पर्सनलिटी, छोटी छोटी बातों को जल्दी पकड़ने वाला और सीक्रेटिव टाइप पर्सनलिटी। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें बताऊंगी। बाकी प्रैक्टिकल लॉजिकल तो होते ही है, बट एक पॉइंट ये आता है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है। व्यक्ति पैसे के लिए अपना मान सकते हैं बहुत हद तक जा सकता है, पैसा कमाने के लिए, पैसे से पैसा बनाने के लिए। पैसे को बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देने वाले रहते हैं, फैमिली के बाद व्यक्ति की टॉप प्रायोरिटी पैसा ही होती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में धोखा या फिर रिलेशनशिप में दिक्कत के भी चांस ये रेखा बनवाती है। बट अगर आप मेरे पास है तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपके वैवाहिक जीवन को उपायों द्वारा सुधारा जाए या फिर आपके वैवाहिक जीवन को कुछ ऐसे कार्य मेरे साथ को दिए जाए जिन्हें करके आपको अपने वैवाहिक जीवन में बढ़िया लाभ मिलने वाला रहेगा, फिर आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए जो मेरे उपाय होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें एक दो दिन करने से फायदा नहीं मिलेगा, एक दो महीने करने से भी कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, आपको मेरे उपाय सालों साल करने रहेंगे। जो मेरे उपाय होते हैं वो अपना प्रभाव कम से कम 2 से 2.5 साल के अंदर दिखाना शुरू करते हैं और मान के चलिए कि 3 सालों के अंदर आपको उनका पूरा प्रभाव देखने को मिल जाएगा और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बुरा समय चल रहा होगा तो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये रखिएगा कि 3 साल भी नहीं, आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा डेली के लिए उपाय डेली कीजिएगा, आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा, 100% मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह सीधी जा रही है और ये बेंड हो रही है। धीरे मस्तिष्क का सीधी चले और बेंड हो जाए तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। एक समय तक धार्मिकता यानी बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता आपके अंदर चरम सीमा पर रहेगी और आप एक बड़े धार्मिक पर्सन बनके निकलेंगे बुढ़ापे के अंदर। इस तरह के भी अच्छे एवं बढ़िया होगा आपके हाथ में, मैं आपकी मस्तिष्क द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी ये मस्तिष्क आपको सीखने समझने और बातों को याद करने की योग्यता अच्छी देती है। विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति कूल और कामली रिस्पॉन्ड करता है और ये आपको मेंटल पीस सक्सेस हैप्पीनेस देने वाली रहेगी। एक समय पर आकर जितना ज्यादा आप धार्मिक बनेंगे, जितना ज्यादा आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि उपाय जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ वीडियो में उपाय के तौर पर, वो आप डेली उन्हें फॉलो करें। तो खाली समय में देखिए, ऐसा नहीं है कि वो खाली समय सुबह का शाम का ही होगा। जैसे आप कहीं थक गए, आपने कहीं 10 मिनट का आराम ले लिया तो मन में ही हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा बहुत सीधी है। तो मान लीजिए परमात्मा ने आपको जीवन जो दिया है वो अच्छा दिया है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हैं बट मान के चलिए कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो दिक्कत परेशानी अपने आप कम हो जाएंगी। जीवन इस प्रकार का है कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अंत में व्यक्ति सफल हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समाज सेवा भी करनी चाहिए क्योंकि देखिए भाग्य बनता है कर्मों से, कभी किसी को फ्री का कुछ नहीं मिलता। अगर आप दिन में 2 रोटी खा रहे हैं तो आप अपने भाग्य का खा रहे हैं और भाग्य बनेगा कर्मों से, कर्म होने चाहिए आपके अच्छे। तो अच्छे कर्म कीजिए, समाज सेवा कीजिए, अन्नदान कीजिए और गरीब लोगों की मदद कीजिए, तो आपका भाग्य और बनेगा और आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा ऐसे कार्य करके। तो अगर आप समाज सेवा की तरफ जाते हैं और समाज सेवा में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, अपना फायदा ना देखकर समाज का फायदा देखते हैं, तो आपको इतना लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जो वैवाहिक जीवन की छोटी मोटी प्रॉब्लम है ये अपने आप ही सुलझनी शुरू हो जाएंगी। जितनी दिक्कत परेशानी से आप आज जूझ रहे हैं फिर आपको वो दिक्कत परेशानी जीवन में नहीं आएंगी। भाग्य रेखा भी मजबूत है, फॉरेन ट्रेवल की तो योग है बट सेटलमेंट नहीं है, तो अगर कमाने जाएंगे तो जल्दी लौट कर भी आएंगे। कुल मिला के भाग्य रेखा मजबूत है तो व्यापार किसी तरह का चल जाएगा और अगर जॉब भी करते रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखे, उसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। मनी ट्रायंगल में दिक्कत है क्योंकि मनी ट्रायंगल यहाँ से इस प्रकार बना है और यहाँ से इस प्रकार बना है, सीधी रेखा नहीं है, घूम रही है मनी ट्रायंगल की तीसरी जो रेखा होती है इस प्रकार घूमी है। तो कहीं ना कहीं पैसा जोड़ने में दिक्कत रहती है, पैसे से पैसा बनाने में संघर्ष रहता है। सूर्य रेखा मजबूत है,
बट जो भाग्य रेखा उसमें कट भी लग रहे हैं, तो देखिए भाग्य रेखा अच्छी है बट नुकसान आता रहेगा, और आपको शायद अभी नुकसान झेल भी रहे होंगे आप इन कट का, क्योंकि देखिए रेखा कोई सी भी क्यों ना हो बट वो कटनी नहीं चाहिए। जैसे आपकी जीवन रेखा कट रही है, आपकी भाग्य रेखा भी दो जगह पर कटी है, मैं दिखा देता हूँ वो कट कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पर कट लगा, यहाँ पर कट लगा, ये दो कट लग रहे हैं, मेजर कट है, आपको बड़ा नुकसान एवं मान सकते हैं लाखों करोड़ों का नुकसान देने वाले रहेंगे। अभी जो आपकी भाग्य रेखा दो बार कटी है, इसके बुरे प्रभाव को कम करने के जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, उससे भी आपको अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। और देखिए उपाय कोई जादू नहीं होंगे, तो भाग्य रेखा को कट को जो दूर करने को पाएंगे वो भी आपको सालों साल कम से कम 10-15 साल करने रहेंगे, तब आपका जीवन बड़ा सुख शांति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा, उपाय धीरे धीरे करके मिलेगा, चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, इस तरह की चीजें। अंगूठा आपका सही है, यहाँ पर ये आड़ी लाइंस भी हैं, आड़ी रेखा जब भी है, तो ये आपको सबसे पहला तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देंगी, लॉजिक के साथ अपनी बात रखने में सक्षम रहेंगे। अंगूठा थोड़ा सीधा है तो फ्रेंडली नेचर में दिक्कत रहेगी, फ्रेंडली नेचर की कम ही होता है। तो मैंने आपके पाम कंजेस पूरा कर दिया, आपके पाम की हेल्थ ये ठीक है बट उपाय करने का तो समस्या सही रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप पे किसी ने जादू कर दिया, आपके रिलेटिव ने आप पे जादू कर दिया, तो मैं एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र इतना प्रभावशाली है कि किसी तरह का जादू टोना टूटता होगा तो मंत्र कट जाएगा, तो वो मंत्र उस जादू टोने टोटके को काट देगा, तो वो मंत्र भी दूंगा, उस मंत्र का रेगुलर जाप करना रहेगा। आप दोनों पति पत्नी को एक साथ मिलकर शिव जी को आप दोनों पति पत्नी को एक साथ मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उनसे अपने सुंदर भविष्य की कामना कीजिए। आपका मन है जल्दी बदलेगा, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या कम होंगी, और आपकी धर्म पत्नी का जो व्यवहार है वो आपकी तरफ भी बदल जाएगा। ये उपाय बस आपको रेगुलर करने रहेंगे। अभी आपने समस्या नहीं है, समस्या है तो वो थोड़ी बहुत है, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, उपाय करने के ठीक हो जाएंगी। तो मैंने आपके पाम कंजेस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे लोग जब मिल जाएंगे, इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।